कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर चलती गाड़ी में इस बटन को प्रेस कर दूं जिससे कि मेरी गाड़ी स्टार्ट और बंद होती है तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब इस बटन को हम प्रेस करेंगे चलती गाड़ी में। तो इसको करने के लिए मैं लगभग अपनी स्पीड को 50 तक लेके जाऊंगा और फिर इसे ट्राई करूंगा। इस चीज को प्लीज आप अपनी गाड़ी में ट्राई मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और वो गियर पे हो या न्यूट्रल पे ही हो और आपने बंद करी तो एकदम से रुक जाए, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो चलिए, मेरी स्पीड हो गई अराउंड 60 और अब मैं इस बटन को दबाऊंगा। मेरी गाड़ी न्यूट्रल पे है, मैंने न्यूट्रल पे इसलिए कर दी कि बाई चांस अगर गाड़ी बंद होती है तो वो जर्क ना ले और वहीं ना रुक जाए। तो स्पीड है मेरी 50 और मैं इस बटन को दबाया, कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी अभी भी नॉर्मल ही चल रही है। मैंने दोबारा दबाया और गाड़ी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये एक अच्छी चीज दी गई है गाड़ी में, ये एक सेफ्टी सिस्टम की तरह हुआ कि बाय चांस आप अपने वाइपर को नीचे कर रहे हो या आप यहाँ से डैशबोर्ड से कुछ सामान ले रहे हो और आपसे ये बटन प्रेस हो गया तो गाड़ी आपकी चलती गाड़ी एकदम से बंद नहीं होगी। मगर अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी बंद करनी पड़ गई तो आप वो कैसे करेंगे। तो अब चलिए, गाड़ी अराउंड 50 के अराउंड आ गई है, अब मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये रुकती है या नहीं। मेरी गाड़ी ऑलरेडी न्यूट्रल पे है, मैंने पार्किंग लाइट्स चला रखे हैं फॉर सेफ्टी। तो अब आप इस बटन को अगर 3-5 सेकंड्स होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी गाड़ी बंद हो गई है। तो ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी टू गाड़ी पे, किसी गाड़ी में 3 सेकंड्स प्रेस करने पे बंद हो जाती है और किसी पे 5। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, अगर आपको अपनी गाड़ी कभी बंद करनी हो तो वो कैसे करेंगे। गाड़ी आप चलाइए, मैं फिर से 40 की स्पीड पे लेके गया हूँ, 50 न्यूट्रल एंड प्रेस दिस बटन 3 times। आपको ये बटन 3 बार दबाना है, 1, 2, 3 और आपकी गाड़ी बंद। तो अगर कभी आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ी बंद करनी पड़ जाए तो आप ऐसे अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।